If you appreciate my efforts, then subscribe my channel, and for video notification, please click the bell icon. Hello, Namaste, how are you all today? आज के वीडियो में मैं बहुत ही एक खूबसूरत मेहंदी की डिज़ाइन अपने हाथों पे क्रिएट कर रही हूँ और इस डिज़ाइन में मैंने बहुत सारे नए एलिमेंट भी ट्राई किए हैं। स्पेशली जो मैंने चेक्स वाला एक एलिमेंट इसमें ट्राई किया है वो बहुत ही खूबसूरत है और उसमें इस डिज़ाइन का एक्चुअली आइडियाज़ ये यहाँ से आया है कि बहुत सारे लोग मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं ब्राइडल डिज़ाइन डालूं, बट उसमें कोई भी पिकॉक या ऐसा कोई भी एनिमल ड्राइंग ना हो, उस तरह की वो डिज़ाइन होनी चाहिए। इंडियन इंट्रिकेट चैलेंजिंग है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, ज़्यादातर वैसे आर्टिस्टों के लिए कि जिनके लिए पिकॉक उनका फर्स्ट लव होता है, जैसे कि मैं। तो हाँ, इट वॉज़ डिफ़िकल्ट क्योंकि एक बड़ा सा पिकॉक बना दो आपका आधा हाथ भर जाता है और वो बहुत खूबसूरत लगता है। उस हालात में पिकॉक के बगैर कोई डिज़ाइन बनाना थोड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन जैसे मैंने कहा नामुमकिन नहीं है। तो बहुत सारे लोगों ने ये जो रिक्वेस्ट की है उसी पर से ये आइडिया का जन्म हुआ है। तो इस डिज़ाइन में मैंने बोल्ड एलिमेंट भी जो लिए हैं बिगिनिंग में, जो सर्कल लिया है वो सर्कल भी मैंने उसमें स्टिपलिंग की है, लेकिन स्टिपलिंग आप देख सकते हो एक जगह पर बहुत ज़्यादा है, एक जगह पर कम है, तो उसे हम ग्रेडिएशन कहते हैं। तो ग्रेडिएशन का इफ़ेक्ट वो होता है कि जहाँ लाइक आप कुछ फेंकते हो, जैसे कि आप कोई बीन्स होता, बीन्स अगर आप फेंकते हो तो जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहाँ से आप फेंकते हो वहाँ पे बहुत सारे वो गिरते हैं और जितने वो दूर जाते हैं उतने वो कम होते हैं, स्प्रेड होते हैं। तो डिज़ाइन में जब भी हम इस तरह का शेडिंग करते हैं तो शेडिंग में वही इफ़ेक्ट होता है कि जहाँ से वो शुरुआत होती है वहाँ पे वो बहुत सारे बहुत ज़्यादा गाढ़ होता है, फिर वो स्प्रेड होता है, वहाँ पे लाइट होता है। तो ये जो स्टिपलिंग मैंने किया है सर्कल में वो उसी तरह मैंने किया हुआ है, इसीलिए वो एक जगह पर थोड़ा ज़्यादा है और फिर वो कम है एक साइड पे। फिर मैंने उस सर्कल के ऊपर जो बोल्ड एलिमेंट लिए हैं वो अरेबिक स्टाइल से इंस्पायर्ड है। अरेबिक डिज़ाइन में हम इस तरह के डिज़ाइंस जो लीव्स वगैरह जो होते हैं, स्वर्ल्स वगैरह लेते हैं, तो उससे वो इंस्पायर्ड है। तो क्योंकि हमारा जो आर्म का और स्पेशली जो पीछे का हाथ जो होता है वहाँ पे कलर थोड़ा कम आता है एल्बो के साइड पे, तो हमें हमेशा इस तरह की डिज़ाइन सिलेक्ट करनी चाहिए कि थोड़ी बोल्ड हो और वो कलर अच्छा दे। तो इसीलिए मैंने वहाँ पे ये बोल्ड एलिमेंट का इस्तेमाल किया है। उसके बाद ये सर्कल के ऊपर मैंने एक क्रॉस में कर्व बॉर्डर बनाया है, उस पर मैंने म्यूज़िकल नोट्स की तरह एक बॉर्डर दिया है, लेकिन म्यूज़िकल नोट्स का जो एस कर्व होता है उसके बजाय मैंने इसमें सर्कल नोट लिया है। और जो फ्रिल वाला हम एक एलिमेंट करते हैं जिसमें बेस हमारा सर्कल होता है और उस पर हम फाइन शेडिंग फ्रिल का लेयर करते हैं, तो यहाँ पे मैंने नया ये किया है कि वो सर्कल के अंदर मैंने डॉट्स बनाए हैं, तो जो कलर आएगा तो वो जो सर्कल है उसके अंदर जो डॉट है वो एक फ्लावर जैसा इफ़ेक्ट देगा। तो ये एक मैंने नया ट्राई किया है। जो जो मैं नया मैंने इस डिज़ाइन में ट्राई किया मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि जो मैंने ट्राई किया है वो आप लोगों को कैसा लगा, खूबसूरत है कि नहीं। और क्योंकि ये नए एलिमेंट मैं अपनी आइडिया से ऑन द स्पॉट इम्प्रॉम्प्टू कर रही हूँ, मैंने कुछ भी ये डिज़ाइन प्लान बिल्कुल नहीं किया था, मैं जिस तरह से मेरे दिमाग में आइडियाज़ आ रहे हैं उस तरह से ये डिज़ाइन बनाती गई हूँ। और फिर साइड में मैंने लेयर्ड किए हैं नाइस बॉर्डर लेयर, जो फ्रिल हमारी होती है एम्बलिशमेंट होते हैं उसको मैंने लेयर्ड किए हैं, बॉर्डर एलिमेंट्स को मैंने इस्तेमाल किया है। और वो जो लीफ वाला एक मैंने बॉर्डर बनाया है वो बहुत ही पॉपुलर है और ज़्यादातर लोग उसको मैन्युअली लीफ बना के क्रिएट करते हैं, लेकिन वो एक वन स्ट्रोक से जो हमारा एस स्ट्रोक्स होता है उससे हम क्रिएट कर सकते हैं, तो इसी हिसाब से मैंने किया है। तो आप उसको ध्यान से देखें, देखने वक्त ऐसा लगेगा कि हाँ ये आराम से हो जाएगा, लेकिन मेरी बात मानिएगा थोड़ा डिफ़िकल्ट है जब आप अटेम्प्ट करेंगे, डिफ़िकल्ट है, नामुमकिन नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो वो आ जाएगा। फिर उसके ऊपर जो मैंने रिस्ट के साइड पे जो चेक्स का एलिमेंट लिया है वो एक नया एलिमेंट है। ज़्यादातर हम हमेशा क्या करते हैं कि हम लोग सर्कल वाला स्वर्ल बनाते हैं, तो यहाँ पे मैंने
स्क्वायर में स्वर्ल किया है, जो जंक्शन पॉइंट है, जो उसके जुड़ान है नेट के, वहाँ पे मैंने स्क्वायर में वो स्वर्ल लिया है। अब उसको स्वर्ल बोलते हैं, स्वर्ल माने सर्कल होता है, पर नाम नहीं मालूम मुझे, तो मैं यही चला रही हूँ कि स्क्वायर वाला स्वर्ल लिया है। और फिर मैंने उसकी सेंटर को एक फ्लावर का इफेक्ट दिया है, फ्लावर दिया है। तो इस तरह से मैंने एक नया एलिमेंट यहाँ पे चेक्स में ट्राई किया है, और ये कलर आने के बाद बहुत खूबसूरत लग रहा है मेरे हाथों पे। हालांकि मैंने इमीडिएटली इसको वॉश कर दिया था, फिर भी जो कलर आया है वो बहुत खूबसूरत लग रहा है। मैं ट्राई करूँगी कि मैं अगर उसका अच्छे से एक फ़ोटो ले पाऊँ कलर के साथ, तो आप देख पाए उसका इफ़ेक्ट। तो आई होप आपको वो डिज़ाइन भी अच्छा लगा होगा। और जो पाम साइड का जो बैक एरिया है, वहाँ पे मैंने एक चेक्स, नॉर्मल चेक्स का नेट लिया हुआ है। उसके अंदर जो मैंने फ्लावर्स लिए हैं, ज़्यादातर क्या होता है कि हम एक ही डायरेक्शन में वो फ्लावर को डालते हैं, यहाँ पे मैंने अपोजिट फेसिंग डायरेक्शन में वो फ्लावर्स को डाला है। जब ये एंड होगा डिज़ाइन पूरा, तब आप ध्यान से देखिएगा। अब ये आइडिया एक्चुअली अभी हमारे एक व्यूअर हैं, उनका नाम मुझे नहीं मालूम, रोजर ऐसा तो कुछ उनका नाम है, नए व्यूअर हैं हमारे, और उन्होंने फेसबुक पेज की हमारी वॉल पे अपनी एक डिज़ाइन डाली हुई थी हमें बताने के लिए, हमारे साथ शेयर करने के लिए। उसमें उन्होंने इस तरह का एक बॉर्डर बनाया है, तो अभी अभी मैंने वो डिज़ाइन देखा है, तो यकीनन वो मेरे दिमाग में था, तो उसी पर से ये आइडिया एक्चुअली यहाँ इस डिज़ाइन में उसी पर आया है, उसी से आया है। तो इसलिए मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि आपके क्रिएशन आप हमारे साथ शेयर करें, फेसबुक पेज की वॉल पे आप शेयर करें, ताकि हम सबको उनसे इंस्पिरेशन मिले और हम कुछ उसके ज़रिए कुछ अपना नया क्रिएट कर सकते हैं। तो आपके जो क्रिएशन है वो भी हमारे लिए इंस्पिरेशन के सोर्स बन सकते हैं, स्तोत्र बन सकते हैं। तो डेफिनेटली इस तरह से ये पूरी डिज़ाइन मैंने यहाँ पे क्रिएट की है, और मैं यकीनन आपको बताना चाहती हूँ कि आज की मेरी इस डिज़ाइन से मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि एक तो ये पेस्ट बहुत ही बेहतरीन बना है, मुझे जैसा पसंद है उसी तरह की उसकी कंसिस्टेंसी है, और कोन भी एकदम खूबसूरती के साथ चल रहा है, और जो डिज़ाइन लेआउट हुई है, मैंने एक चीज़ मार्क किया कि जब हम बहुत रिलैक्स होके इत्मीनान से कुछ क्रिएशन करते हैं, तो डेफिनेटली वो बहुत खूबसूरत होता है, और इसीलिए ये डिज़ाइन बहुत खूबसूरती के साथ उभर के आया है। मुझे पर्सनली ये डिज़ाइन बहुत अच्छी लगी है, आप लोगों को ये कैसी लगी वो डेफिनेटली आप लोगों को हमें कमेंट के ज़रिए बताना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, इन टुडेज वीडियो आई एम क्रिएटिंग वेरी ब्यूटिफुल डिज़ाइन ऑन माई हैंड, एंड द आइडिया बिहाइंड दिस पर्टिकुलर डिज़ाइन इज अ request from so many people. Like those requests, they are people have requested that they want bridal design, but that bridal design should not have any peacock or animal design. I know it's very challenging, but it's not impossible. And especially person like me who love peacock in my bridal design, and frankly speaking, whenever I use peacock, so half the design is done, then you have to only worry about half the design. So it's quite easy for me to create a bridal design with peacock, but so many people request it, so I thought I have to do that kind of design. So today's my design does not have any peacock or any animal design. Now let's talk about new elements I have tried in my today's design, and I'm telling you, I have tried so many new element in today's design, and I hope you all will love it. So let's start with the circle I have created as the base of my design. In that circle I have used stippling. Now the stippling, the way I have done is like a gradation. As you can see, it is clustered at one point and is spreading out, it's getting very sparse. So the idea is to create gradation using stippling, shading using stippling. Like if you throw some beans or something, the starting point always have a big cluster and then it spread out as it go further. So that's the imagination. It's like always like when some light fall on some object, wherever the light is falling, that object is very bright and the opposite side is always dark. That's the use of shading.
So that's what I have used in circle. Now on top of circle near elbow, I have used element from Arabic design. The bold element I have used from Arabic design, because usually that part of area on our arm, usually we don't get very dark color if we draw very intricate design. So that's why always I will always suggest use very bold element or some design that have a bold element on that particular part of our arm. So then it will give you very dark and beautiful color. So that's why the reason I have used floral arrangement from Arabic design. Okay, now we talk about our progressing design. As you can see, I have created one curve border. In that curve border, I have created a musical notes, but usually musical notes are in S curve, but here I have used C curve for that, and it is also looking very beautiful. And now that corner area, I use very simple and very common frill filler element that you have seen me using very frequently. But the only different thing I have done is the base of that frill, the circle, within that circle I have used few dots. So when I will get color, that dot will give me effect of flower. Like I have drawn flower, then I have drawn frills on top of that. So that's something new I have tried, and I'm very happy because it does look very beautiful. Like after color also, it looks very beautiful. So that's something new I have tried. Then beside that curve border, I use layered border elements. Now in this layered border elements, you can see I have layered some leaf element. That leaf element in border is very popular, and I have seen people attempting it manually. Manually means they draw each an individual leaf. So the technique is you have to draw S curve and layer them the way it gives you effect of leaf, as you can see the way I am doing here right now. Now when you see them, it does look easy, frankly speaking, because I also thought same way, but when I tried, it was challenging. But as I said, it's challenging, but it's not impossible. So if you watch me carefully how I am drawing them and then practice, you can do it. Then come the star element I tried today, the element in checks near wrist. It was really impromptu. I did not plan anything about this entire design because I was feeling so relaxed and so happy. Maybe that's the reason behind this beautiful creation. I am personally very happy with this creation. Yeah, so let's talk about that checks element I tried near the wrist area. Now we usually, like, it's very common to use circle swirls on the near junction, on the junction point, but this time I wanted to do something different. That's why I used swirl in square. Now what does it call? I don't have its name, so that's why I'm calling it swirl in square. So that's what I use on junction, and within that blocks, like square, I used flowers. So that flower with a bold line is giving very beautiful look once the color is there. If possible, I will definitely try to post that picture after the color gradually get darker, because it does look very beautiful. So I will try to upload that picture. You can check my Insta for that. And after that, on palm area, I have used one very simple netting, but in that particular net, the flower usually we draw in one direction, but here I tried putting them in front of each other, like facing each other. Now recently our one of the new viewer, I think his name is Roger or something, I seriously don't know his proper name, but he's our new viewer, and
ही एक्चुअली पोस्टेड हिज क्रिएशन ऑन फेसबुक पेज अवर फेसबुक फेसबुक पेज वॉल्व टू शेयर विथ ऑल ऑफ हर्स एंड दैट डिज़ाइन वॉज इन माई माइंड एंड मे बी दैट वॉज द इंस्ट्रूमेंटल बिहाइंड दिस पर्टिकुलर एलिमेंट इन द बॉर्डर फेसिंग फ्रिल्स इच अदर. So yeah, towards my palm area, I did a little simple design, as all of you might know that because of all the bones and veins, I usually don't enjoy creating design on my bony hands, very tiny hands. So that's why I use little simple elements towards that palm area. So I always keep telling all of you, please do share your creation with all of us on our Facebook page wall, because it does inspire all of us, and we might use them and we might create something else with it, and it's really very fascinating. That's why I always urge all of you, if you want to share your work, share on Facebook page wall so everybody can look at it and they get inspiration from your creation. You never know how you end up inspiring someone. So definitely, if you have any creation, share. And I hope you all would have loved my this creation. Let me know. I am quite satisfied and very happy with whatever I have created in this particular design. And because, you know, I was so happy with the paste consistency, it was perfect. It was really very nice. Even the cone also came up very nice. So line was draping beautifully, and that's the beauty when your cone and your paste is beautiful and you are in a very relaxed mood, very happy, very not stressing about anything, then you end up creating something very beautiful. That's why whenever you sit down for any creation, always create the environment, always do with very peaceful and calm mind, then you will surprise that you will end up creating something very beautiful. Your emotions actually reflect in your creation. That's the way it is. So I hope you all would have loved my this beautiful design, and if you do, you have to let me know through your comments. So I will definitely wait for your comments. I do read each and everyone's comments. I try to reply all of you. Nowadays I'm not replying to your all the questions, because I'm going to do question answer video very soon. So those questions, keep sending them. So once I have enough questions, then I will do one स्पेशल वीडियो ऑन क्वेश्चन आंसर. आजकल मैं आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर शायद नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन आंसर का एक पर्टिकुलर वीडियो बनाना चाहती हूँ, तो उसी में आपके सारे क्वेश्चंस के मैं आंसर दूंगी. तो अगर आपके पास कोई है क्वेश्चंस, तो आप कमेंट के जरिए में बता सकते हैं. लाइक कमेंट शेयर करना डेफिनेटली मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं. वो आपका प्यार है जो आपके कमेंट, लाइक और शेयर के जरिए हमारे पास पहुंचता है. तो हम बहुत जल्दी वापस मिलेंगे. तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड. थैंक यू एवरीवन. सी यू. बाय बाय एवरीवन. सी यू.